इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी टू, इलेक्ट्रोडायनामिक्स चैप्टर नंबर 7 है और टॉपिक हमारा 7.2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने ये टॉपिक में हमने एफएससी से भी देखा होगा और उसके बाद आपने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में भी देखा। और ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट शो किए हैं ये बेसिकली ये तीन एक्सपेरिमेंट हैं जो फ्राडे ने रिपोर्ट किए थे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये है कि हमारे पास दो चीज़ें हैं तीनों एक्सपेरिमेंट में। एक है मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कि एक मैग्नेटिक फील्ड कोई डिवाइस है जिससे वो जो मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम जनरेट करें वो मैग्नेट हो सकता है, वो कोई और भी चीज़ हो सकती है। और साथ एक हमारे पास है क्लोज लूप जिसपे कोई बैटरी या कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं लगा हुआ। इसको हमने प्लेस किया है इन द वेसिनिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हम इस लूप को पुश करें टूवर्ड्स राइट तो हम देखते हैं कि इसमें एक करंट फ्लो होता है और जो यहाँ पे लोड लगा हुआ है, रेजिस्टर लगा हुआ है, वो उस पर वो चलने लग जाता है। ठीक है, लोड लगा हुआ है तो ईएमएफ फ्लो होती है आपके पास और आपके पास लोड, ये जो लोड लगा हुआ है वो चलने लग जाता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है कि मैं जो लूप है उसको स्टिल रखता हूँ, इसको मैं नहीं इसकी इसके इसको ना राइट ना लेफ्ट ना अप एंड डाउन किस तरह भी मूव नहीं करता। हाँ, सिर्फ मैग्नेट को मैं टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करता हूँ। ठीक है, तो अगेन आपको ये शो होता है कि इसमें हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है और चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो लोड आपके पास जो है वो शो करता है कि वो चल गया। तीसरा एक्सपेरिमेंट जो है वो पहले वाले दो जो एक्सपेरिमेंट हैं उनसे मुख्तलिफ है। वो ये कि इसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, ना लूप टूवर्ड्स लेफ्ट ना हमारे पास टूवर्ड्स राइट मूव हो रही है और ना हमारे पास मैग्नेट मूव हो रहा है। दोनों अपनी जगह पे स्टिल हैं, कोई इसमें मोशन नहीं है। सिर्फ हम इसमें ये कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पिछले दो केसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड थी हमारे पास स्टेशनरी थी, सोर्स टाइम के साथ वेरी नहीं करी थी, तो इस केस में हमारे पास टाइम के साथ वेरी करी है। तो इस केस में भी लूप में करंट शो होता है और लोड आपके पास लोड शो करता है कि इसमें से करंट पास कर रहा है। एक्सपेरिमेंट ए और एक्सपेरिमेंट बी जो हमने लास्ट टाइम देखा था, ये होता है हमारे पास जो लूप है लूप में से फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये अगर ये एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ये लूप है हमारे पास जो रेड में शो हुई है। जब आप इसे करेंगे पुल करेंगे टूवर्ड्स राइट तो इसके नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसमें से पास कर रही हैं इस एरिया में से, वो चेंज होंगी, जो मैं जिसका मतलब है कि फ्लक्स चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से इस रेड वाली लूप में इंड्यूस होगी एक ईएमएफ, तो वो ईएमएफ ड्राइव करेगी इस करंट को। तो जैसे कि मैंने बताया जो एक्स ये अपैरेटस टू जो सेटिंग्स है हमारे पास बी एक्सपेरिमेंट में वो बिल्कुल सेम है। जो अगर आप एक फैक्ट जानते हो कि जो मोशन है वो रिलेटिव है, ठीक है, तो आप इसको टूवर्ड्स राइट मूव करें या टूवर्ड्स इसको लेफ्ट मूव करें मैग्नेटिक सोर्स को, वो बात एक ही है। लेकिन ये अब हम जानते हैं ड्यू टू आइंस्टाइन के मोशन जो है रिलेटिव होती है, ये दोनों सेम केसेस हैं। लेकिन पहले ये नहीं था, 1831 में ये चीज़ ऑब्वियस नहीं थी, लेकिन स्टिल फ्राडे ने कंक्लूड किया कि दोनों केसेस में जो सोर्स ऑफ ईएमएस है ईएमएफओ वो उसका एक्सप्रेशन ये है। अच्छा, थर्ड एक्सपेरिमेंट में भी जो फ्राडेज इनसाइट है कि थर्ड एक्सपेरिमेंट भी उसने रिपोर्ट किया था फ्राडे ने, उसने शो किया था इवन दो मोशन इन दोनों में कुछ नहीं है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो प्रोड्यूस करेगी सोर्स ऑफ ईएमएफ। और इसका जो रिलेशन होगा मैं बस ईएमएफ का है वो कर्ल ऑफ क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो विच इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। ठीक है, तो थर्ड हमें एक्सपेरिमेंट शो करता है द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्जेस पे जो वर्क डन हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं कर सकती, जो मर्जी हो जाए। वो पहले मैग्नेटिक सेटिंग में भी देखा, बेशक टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड है तो वो कोई चार्ज पे वर्क डन नहीं करती, लेकिन आप देख रहे हो चार्ज तो इससे मूव हो रहे हैं, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो चार्जिंग की मूवी की मूवमेंट की वजह से ही है। तो इसकी वजह हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है। और वो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने से, वेरी होने से प्रोड्यूस हो रही है। तो ये रिलेशन जो है एक ही इक्वेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास सोर्स ऑफ ईएमएफ है।
तो अब अगर आप चाहें तो इसकी डिफरेंशियल फॉर्म भी लिख सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ है, और जबकि राइट हैंड साइड मैं फ्लक्स की डेफिनेशन लिखी है, तो फ्लक्स मेरे पास इज इक्वल टू होता है, हम ये देख चुके हैं लास्ट लेक्चर से, फ्लक्स इज इक्वल टू है बी डॉट डी ए, ठीक है, ये मेरे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो मैग्नेटिक फ्लक्स है, और अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इसकी मैंने डेफिनेशन पुट की, तो इसको आप कन्वर्ट कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस एक्सप्रेशन को बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, आप इसे कर्ल में चेंज कर सकते हो, तो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए, तो ये है मेरे पास बन जाएगा, तो दोनों तरफ से मैं कर्ल का ये जो इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, इनका जो इंटीग्रेंट है वो ड्रॉप कर दूँ, तो मेरे पास सारे जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो ये है, ठीक है, क्योंकि सरफेस आपने कोई स्पेसिफिक नहीं लिया हुआ, सरफेस हमारे पास आर्बिट्रेरी है, तो आर्बिट्रेरी सरफेस के लिए आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। तो मैग्नेटोस्टैटिक में हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, वो ये था कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सॉरी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये नॉन जीरो है, इसे हम कहते हैं फ्रॉडिस लॉ। ये स्टिल ये जो एक्सप्रेशन है ये अपने अंदर जो प्रीवियस रिजल्ट था कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो उसको होल्ड करता है। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आ जाए कांस्टेंट आ जाए, तो आपको पता है कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो इक्वल टू जीरो होता है, तो आपके पास दोबारा ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये रिड्यूस इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस जो है, ठीक है। तो हमारे पास ये तीनों जो रिजल्ट हैं, तीनों जो एक्सपेरिमेंट हैं, उनको अगर आप एक इक्वेशन में लिखना चाहें तो उसे हम कहें यूनिवर्सल फ्लक्स लॉ, कि किसी भी लूप के अंदर से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जैसे कि हमारे पास ये लूप है, ठीक है, और इस लूप में से कोई मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो वेरिंग है, टाइम वेरिंग है, वो क्यों, उसका सोर्स कोई भी हो, वो हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग हो, वो हो सकता है कि लूप का एरिया चेंज हो रहा हो, वो हो सकता है कि सोर्स और मैग्नेटिक फील्ड में से कोई सोर्स और मैग्नेटिक फील्ड या लूप इन दोनों में से कोई मूव कर रहा हो, लेकिन जब लूप में से क्लोज लूप में जो फ्लक्स है वो टाइम वेरिंग है, तो इसमें इंड्यूस हो जाता ही है एक ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हो जा सकती है, जो इस चेंज को चेंजिंग फ्लक्स को हमेशा अपोज करती है, ये नेगेटिव शो कर रहा है, जिसको हम कहते हैं बाद में लेंज़ लॉ कहते हैं। तो अगेन अगर आप दोबारा देखें एक्सपेरिमेंट ए को बी और सी को, तो आप देख सकते हो कि जो ए है हमारे पास एक्सपेरिमेंट बेसिकली वो उसमें जो चार्ज की मोशन है उसके पीछे हमारे पास है लॉरेंस फोर्स, ठीक है, लॉरेंस फोर्स है, जब आप इसको पुश करते हो टुवर्ड्स राइट तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं उन पे अप्लाई होती है इनमें स्पीड इंट्रोड्यूस हो जाती है जो चार्जेस हैं, ठीक है, जो यहाँ पे लूप के अंदर चार्जेस हैं, तो हमें पता है कि अगर आपके पास जो चार्ज है वो उसकी स्पीड वी हो, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, तो उन चार्जेस के ऊपर आती है ये फोर्स, ठीक है, तो इसको हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं। तो पहले एक्सपेरिमेंट में तो ये सोर्स है ईएमएफ का, लॉरेंस फोर्स जो है वो कॉज है जिससे ईएमएफ आपको मिल रही है। अच्छा एक्सपेरिमेंट बी जो है आपके पास और सी में जो वर्क कर रही है, हाँ अलग जो वर्क कर रही है चार्जेस पे जो फिनोमेना आ जाए कोज है, वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें होता यह है कि यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को आप मूव करते हो, यहाँ पे लॉरेंस फोर्स तो नहीं है, चार्ज तो मूव नहीं करे यहाँ पे, ये चार्ज तो लूप तो स्टिल है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करते हैं, और उससे हम देखते हैं कि यहाँ इसमें करंट इंड्यूस हुआ है, और इसमें हमारे पास टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो होता यह है कि जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेसिकली वो वर्क डन करती है चार्जेस पे, तो ये इन दोनों को हम कहते तो फ्राडेज लाए हैं, लेकिन इनकी जो सोर्सेज हैं जो इनके पीछे कॉज है चार्ज की मोशन का जो फिनोमेना बिल्कुल मुख्तलिफ है, बेशक ये तीनों एक्सपेरिमेंट फ्राडेज ला के लेते हैं, लेकिन जो फिनोमेना है बेसिकली कोर उसकी चेंज है, एक एक्सपेरिमेंट लॉरेंस फोर्स इन एक्शन है और बाकी दो फोर्सेज में चेंज मैग्नेटिक फील्ड इन एक्शन है। अच्छा और साइन जैसे कि मैंने बताया वो है कि आपके पास जो चेंज है मैग्नेटिक फ्लक्स का वो उसको हमेशा जो है वो मैं ईएमएफ जो है वो उसको अपोज करेगी, और ये हमने देखा आपने एफएससी और इलेक्ट्रिसिटी से देखा हुआ है कि ये जो
चेंज है, अगर चेंज ना हो, अपोज ना करो, तो ये हमारे पास जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है। तो बात क्या आती है इंड्यूस ईएमएफ की, तो यहाँ पे जो मैंने जैसे बताया कि जो बेशक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इन टर्न इंड्यूस करी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड है जो चार्जेस पे वर्क डन करती है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, ये आप दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड समझ सकते हैं, जो पहले हमने पढ़ी हुई है कि चार्जेस, स्टेशनरी चार्जेस हैं कहीं पड़े हुए, ठीक है, उनकी वजह से आप किसी कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हो कि यहाँ पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस टाइप की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो कर्ल है वो इक्वल टू जीरो होता है हमेशा, ठीक है। अब हमारे पास है कि किसी पॉइंट, किसी रीजन में अगर वो कोई चार्ज नहीं है, लेट से कोई चार्ज नहीं मौजूद, और वहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, तो अपने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंड्यूस करेगी उस रीजन में, ठीक है। तो ये से हम कहते हैं फैराडेज़ लॉ, तभी मैंने इस पे यहाँ पे लिखा हुआ टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हमारे पास है सोर्स ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, जो जिसका कर्ल है इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इक्वल टू है कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे हमारे पास करंट के इक्वल है कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो और जैसे मैंने बताया कि इस केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अगर प्योरली फैराडेज इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे उसके रीजन में कोई चार्ज नहीं पड़ा हुआ, तो हमारे पास जो डाइवर्जेंस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे जो रीजन आपने कंसीडर किया है उसमें कोई चार्ज डेंसिटी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है तो जीरो होगा। तो हमारे, और दूसरा एक्सप्रेशन जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डाइवर्जेंस, वो केस जो मर्जी हो, चार्ज होना हो, करंट होना हो, टाइम वेरिंग होना हो, जो मर्जी हो, ये एक्सप्रेशन हमेशा हमारे पास ट्रू रहता है। तो ये सेट है सेट ऑफ इक्वेशंस फैराडेज़ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यहाँ पे स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात नहीं कर रहा, फैराडेज़ इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस रीजन में कोई चार्जेस नहीं पड़े हुए। तो आपको पता है कि कोई भी वेक्टर फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, उसका कर्ल चाहिए होता है, उसकी डाइवर्जेंस चाहिए होती है, उसका कर्ल चाहिए, उसकी डाइवर्जेंस। तो अब आप जो उस वेक्टर को यूनिकली बता सकते हैं, और पर्टिकुलरली जो आपके पास अगर सिमिट्री आपको परमिट करती है, जो चीज़ें आप इस अम्पेयर्स लॉ से करते आए हैं कि क्लोज लूप आपने ऐसे कंसीडर करनी है कि उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो कांस्टेंट हो, डायरेक्शन बेशक चेंज हो रही हो लेकिन वो टाइम डिस्टेंस के हिसाब से वो कांस्टेंट हो, ये लूप इंटीग्रल एवेलुएट करना आसान हो, तो आप सारे के सारे इसके साथ भी सपोज कर सकते हैं। ये भी जो सिमिट्री, अगर पर्टिकुलर सिमिट्री के लिए इसको भी एवेलुएट करना आसान होता है। एग्जाम्पल नंबर 7.7 है, और उसमें हमें दिखाया गया कि एक वो डिस्क नुमा चीज़ है, रीजन है, और उस शेडेड रीजन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास वो आई थिंक चेंज हो रही है, ठीक। और उसमें हमने बताना है कि इंड्यूस जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या है। तो अगेन हमारे पास, हमें पता है कि वो रीजन जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो, तो वो इंड्यूस करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके एक्सप्रेशन हमें ये पता है, तो हम इसको यूज़ करेंगे और इसको एवेल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। तो वो जो रीजन जो ये है, वो इसका रेडियस है एस, ठीक है। तो आप उसी तरह जिस तरह हम अम्पेयर्स लॉ यूज़ करते हैं, तो एक मैंने ली क्लोज लूप, क्लोज लूप लेने के बाद उस पर इस इंटीग्रल को है एवेल्यूएट किया, ठीक है। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो कर्ल एग्जिस्ट करता है, और वो सर्कल की शेप में होगी हमारे पास, ठीक है, जिस तरह सर्कल बनते हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड के, एग्जैक्टली यहाँ पे वो होगी। तो आप सर्कल अगर ले लें, तो आपको एवेल्यूएट करना इलेक्ट्रिक फील्ड को आसान होगा, हर पॉइंट पे डीएल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो कर्लिंग होगी, सेम होगी, उसको एवेल्यूएट करना आसान होगा। तो पूरी जो लूप का एरिया आ गया, वो लूप का जो सर्कमफेरेंस आ गया है वो 2πs है, और साथ इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों की डायरेक्शन हमने सेम लिया जिस डायरेक्शन में हमने इसको अवेल्यूएट किया। अच्छा, तो ये राइट हैंड साइड अब अवेल्यूएट करनी है हमने, जो कि है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे मैंने इसका एरिया पुट कर दिया, क्योंकि एरिया तो कॉन्स्टेंट है, वो पाई एस स्क्वायर आ गया, ठीक है। जो एस हमारे पास रेडियस है इस पूरी लूप का, और ये मैग्नेटिक फील्ड है जो चेंज हो रही है। तो पाई कॉन्स्टेंट, एस कॉन्स्टेंट, वो बाहर आ गया, और ये पे रह गया मेरे पास डी बाई और डी बी ओवर डी टी।
तो आप इनको इकट्ठा रखिए, अगर सॉल्व करें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस एस ओवर टू डी बी ओवर डी टी और फाई डायरेक्शन में, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमने लिए हैं। तो ये रहा इसके एग्जाम्पल 7.7, 7 चैप्टर की एग्जाम्पल्स खास तौर पर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं चाहूँगा कि आप उसे अच्छे से समझें और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है आपको हेल्प करने में फिर ये एग्जाम्पल आसानी आपको आसानी होगी इस तरह की एग्जाम्पल्स, क्योंकि ये सारे काफ़ी सारे केसेज हैं जो एग्जाम्पल्स ये कवर कर रही हैं चैप्टर नंबर 7 की। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन एक अराइज होता है कि जो हमने अभी पढ़ी है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 है, मैग्नेटो स्टैटिक पढ़ी है हमने, तो मैग्नेटो स्टैटिक कब ब्रेक डाउन होती है और कब उसके बाद जो इंडक्शन और ये इस तरह के फिनोमेना अराइज होते हैं, किन मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन कितनी होनी चाहिए या टाइम के साथ, कि अगर आप साइकिल के टर्म में कहें, आप कोई और टर्म की बात करें, कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी तेज़ी से चेंज हो कि हम समझेंगे कि अब इस पे मैग्नेटोस्टैटिक अप्लाई नहीं होती, जबकि अब हमारे पास अप्लाई होगी इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो उसे अब जो जहाँ पे मैग्नेटोस्टैटिक वाली जो रिजीम है उसको हम कहते हैं क्वाजिस्टैटिक रिजीम, ठीक है। तो और ये होगा इफ करंट टेक्स टाउ टू चेंज सब्सटेंशली, कि आपके पास अगर वो जो करंट है वो चेंज होता है इतने टाइम में, टाउ टाइम में चेंज होता है, जिस तरह आपने साइनोसोइडल करंट देखे हुए हैं, ठीक है, उसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाती है लेट से ये टाउ टाइम में, ठीक है, कि पहले वो पॉजिटिव था और उसके बाद सब्सटेंशियली चेंज हो गया, वो नेगेटिव हो गया। तो मैग्नेटो स्टैटिक जो रजीम होगी वो इस रजीम में होगी कि जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो ये इनक्वालिटी को या इस रिलेशन को वो होल्ड करती हो, तब आप मैग्नेटोस्टैटिक वाली रिजीम में हैं, अदरवाइज नहीं। लेट्स से आपने जो पॉइंट पॉइंट यहाँ पे लिया है, ठीक है, और ये जो सोर्स यहाँ से यहाँ तक है, ठीक, और ये डिस्टेंस है हमारे पास एस, और टाउ इसमें है जिसमें सब्सटेंशली आपका करंट चेंज हो जाता है, और सी इसमें केस में हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट, जिससे ये मैसेज जो न्यूज़ है वो प्रोपोगेट करते हैं यहाँ से यहाँ। अगर आपने जो एस लिया है वो मच स्मॉलर देन दिस प्रोडक्ट है, ठीक है, तो फिर ठीक है, आप मैग्नेटोस्टैटिक अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है वो इसकी आपके पास जो है इन ऑर्डर टू दिस है या थोड़ा सा लेस है, तो फिर आप ये मैग्नेटोस्टैटिक रिजीम में नहीं है, क्वाजिस्टैटिक रिजीम में नहीं है, फिर आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स रिजीम में है, तो आपको इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाली जो इक्वेशन है वो यूज़ करना होगी।